सो हाय रुना, वेलकम ऑन सीरीज। थैंक यू सो मच। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, सब कुशल मंगल। सब कुशल मंगल। कैसे मिला ये प्रोजेक्ट मुझे बॉलीवुड में, आपकी एंट्री हो रही है इस फिल्म से? बेसिकली कहते ना कि डेस्टिनी कहीं ना कहीं आपका रोल प्ले करती है, तो आई जस्ट गॉट अ कॉल फॉर दिस शो फिल्म, एंड पहले मुझे नहीं समझ में आया कि कौन सी फिल्म है, क्या है, बट मैंने सोचा कि मैं एक स्क्रीन टेस्ट दिया जाए, तो स्क्रीन टेस्ट देकर आ गया एंड गॉट टू नो दैट नितिन मनमोहन जी इज द प्रोड्यूसर, एंड सो आई जस्ट गेव माई बेस्ट एंड आई गॉट सिलेक्टेड फॉर द रोल, एंड नरेशन मिला था अच्छा था वो, सो आई फील फेल्ट लाइक इट्स नथिंग बैड टू लर्न समथिंग न्यू एंड डू अ डिफरेंट काइंड ऑफ कॉमेडी एंड नॉट डन बिफोर इन माई करियर, सो आई वेंट अहेड विद इट एंड आई साइंड अप फॉर द रोल एंड आई शॉट फॉर। तो कैसा लग रहा है, बिकॉज अक्षय खन्ना अपने आप में एक बहुत नामी गिरामी एक्टर हैं और मैंने सुना भी है और देखा भी है, मिली भी हूँ, थोड़े से स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी हैं वो, तो आपको लगा कभी उनसे मिल के? आई वुडन से स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी बट अ रिजर्व पर्सन, इंट्रोवर्ट है, बट वर्क वाइज इट्स अ प्लेजर टू सी हिम वर्किंग एंड सो डेडिकेटेड टूवर्ड्स इट्स क्राफ्ट एंड द अप्रोच ही हैज टूवर्ड्स द सीन एंड एवरीथिंग, very interesting, very overwhelming to see him perform, so myself I've been a great fan of his work, so it's just great to work amongst the veteran actors and to look up to the actors whom I've been seeing from my childhood, so sharing the same screen space with them is itself a great feeling. जैसा कि सब जानते हैं कि आप राखी ब्रदर हैं रश्मि देसाई के, तो हम स्टार्टिंग जानना चाहेंगे कि भाई बहन का रिश्ता कैसे जुड़ा और कैसे कनेक्ट हुआ आपने? ये रिश्ता जुड़ा उत्तरण के सेट से, फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ वी नेवर स्पोक अबाउट बीइंग अ ब्रदर एंड सिस्टर, इन गुजराती भी से भैला, तो फ्रॉम दैट द कम्फर्ट लेवल वॉज सो गुड दैट वेन इट टर्न इन टू अ ब्रदर एंड सिस्टर रिलेशनशिप वी ऑल्सो डिड नो, सो 2013 शी टाइड मी राखी, 2012 from that onwards it's been 8 years that we are in this bond, so feels really great and to have a sister like her, and I feel it feels very proud to say that I am Rashmi's brother. Big Boss mein kafi utar chadhav aa rahe hain unke sath, aapko hurt hota hai ya bahar se unko dekh rahe hain to kaisa lagta hai jab wo udaas hoti hain ya jab wo khush hoti hain? To of course it's a human feeling, bhai to main pehle hu but ek insaan ke nate kuch soch ke bhi bura lagta hai जब उसको उदास देखता हो या रोता हो या रोते हुए देखता हो, क्या गुजर रही है उसके पर पता नहीं, जब हंसती है तो अच्छा लगता है देखकर, उसकी स्माइल पे कई कैप्चर्स देखता हो, फैंस टैग करते हैं मुझे भी, तो बहुत अच्छा लगता है जब लोग उसे फॉलो करते हैं और कहीं कितने लोग उसे आइडल भी मानते हैं, तो आई फील वेरी ग्रेट अबाउट माई सिस्टर एंड आई फील वेरी रिस्पेक्टफुल दैट द वे शी इज़ फाइटिंग इनसाइड, जस्ट दैट थोड़ी बहुत चीज़ें जो उसकी कैरेक्टर पे उंगली उठाई गई है वो सब एज अ ब्रदर नहीं अच्छा लगा मुझे। स्टार्टिंग में देवोलीना उनका बहुत अच्छा सपोर्ट रही है थ्रू आउट, जब तक वो रही है हाउस में, उसके जाने के बाद वो थोड़ा सा डाउन फील करना शुरू हुआ था, तब तक अरहान की एंट्री हुई, फिर अरहान ने सपोर्ट किया, बट हमने देखा कि अरहान के बारे में काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ कहा, तो एज अ ब्रदर आप क्या बोलना चाहेंगे अरहान की पर्सनैलिटी के बारे में, हाउ इज़ ही फेक और इज़ ही रियल? देखिए जो दुनिया बोल रही है उसके बारे में आई डोंट नो अबाउट इट कि हाउ मच दे आर परसीविंग इट इज़ राइट और रॉन्ग, आई न्यू अबाउट अरहान ओनली नोइंग दैट ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ रश्मि एंड आई वुडंट कमेंट एनीथिंग ऑन अरहान बिकॉज आई हैव नॉट स्पोकन टू रश्मि अबाउट देयर रिलेशनशिप और वॉट हैज़ कम आउट इन द मीडिया और पब्लिक, आई हैव नॉट स्पोकन अबाउट दैट ऑल्सो, सो मेरे लिए बहुत गलत होगा अरहान के अगेंस्ट कुछ बोलना इस वक्त और किसी भी सिचुएशन को लेकर बिना समझे बिना सोचे कुछ भी बोल दूँ मैं, इट डजंट मेक सेंस, सो आई वुड रादर वांट टू स्पीक टू रश्मि फर्स्ट। उनके रियल ब्रदर भी गए थे गौरव घर में, तो उन्होंने तो बिल्कुल क्लियरली बोला था कि आप दूर रहिए इस रिलेशन से, तो आप गौरव के करीब हैं ऑफकोर्स जब आप रश्मि के करीब हैं, तो अगर आपस में बात होती है तो कभी एक पल को भी लगता है कि रश्मि इज़ डूइंग रॉन्ग, बिकॉज एवरी वन इज़ टेलिंग द सेम टू हर कि जस्ट लीव हिम इग्नोर हिम, बट शी इज़ नॉट डूइंग दैट, नो दैट्स व्हाई आई नीड टू टॉक टू हर वंस दैट व्हाट इज़ द ट्रुथ बिहाइंड इट,
आई नीड टू अंडरस्टैंड दैट वाई इज दिस हैपनिंग एंड वाई शी इज सपोर्टिंग एंड इफ शी हैज टोल्ड मी दैट दे आर गुड फ्रेंड्स वाई इज दिस गुड फ्रेंड्स हैज टर्न इनटू समथिंग एल्स व्हिच द वर्ल्ड इज क्लेमिंग व्हिच आई वांट टू नो इट फ्रॉम हर एंड यू इवन डिडंट नो अबाउट दैट जो भी अरहान का जो भी सलमान ने बताया कि नहीं आई जेन्युइनली डिडंट नो जस्ट द वे रश्मि हैज गॉट अ शॉक फॉर इट सेम हियर आल्सो आई गॉट अ शॉक फॉर इट सो आई आल्सो डोंट नो अबाउट इट सो आई वुड वांट टू नो इट फ्रॉम रश्मि सिद्धार्थ के साथ स्टार्टिंग में हमने देखा था मुझे बहुत खट्टी मीठी वो टॉम एंड जेरी वाली उनकी खटपट लगती थी क्योंकि जब बिग बॉस ने उनको वो रिक्रिएट करने को बोला गया था सीन दे रिक्रिएटेड वेरी नाइसली वेरी स्वीटली दैट वाज वेरी क्यूट मोमेंट सडनली इतना ज़्यादा गैप इतना ज़्यादा आउटबर्स्ट हो गए दोनों एक दूसरे के ऊपर व्हाट वेंट रॉन्ग वेरी क्लूलेस अबाउट बिकॉज हाउ मच एवर आई हैव हर्ड फ्रॉम रश्मि दे हैव शेयर्ड अ गुड बॉन्ड एज को-एक्टर्स दे हैव वर्क टुगेदर एंड दैट केमिस्ट्री was very visible on screen. I just don't understand that what, how everything turned upside down. And why is that so much bitterness from both of their ends? So only Rashmi can tell me what the real story is about rather than me perceiving or thinking something else behind it. Not being a media, being an audience man, जो देख रही हूँ बाहर से कि जब उन दोनों का आर्ग्यूमेंट हो रहा था ऑन वेरी सीरियस नोट अभी जो रिसेंटली आर्ग्यूमेंट हुआ जिस पर सलमान ने सब चीज़ें पूछी द वे सिद्धार्थ क्लियर एवरीथिंग जो भी रश्मि के ऊपर ब्लेम जो रश्मि को लगा कि दैट वो जो ब्लेम लग रहे हैं द वे ही क्लियर आपको लगा कि वो जस्टिफाई था वो क्लियर किया उन्होंने एक्चुअली या फिर आपको लगता कि वो फेक था कुछ हद तक जस्टिफाइड था कुछ हद तक नहीं था अब जो सिद्धार्थ ने पॉइंट्स रखे हैं जो क्लेरिफाई किया वो उसने अपनी साइड रख दिया रश्मि को भी एक मौका मिलेगा अभी अपनी साइड रखने के लिए और मेरे ख्याल से उसने रखा भी अपनी साइड तो आई थिंक बोथ आर राइट ऑन देयर ओन पार्ट बट एक चीज़ जो कैरेक्टर असैसिनेशन पे आई बात वो सबसे गलत थी सिद्धार्थ ने जो की थी रश्मि को तो विच आई डोंट सपोर्ट एंड विच आई विल नॉट अग्री टू वॉट एवर जस्टिफिकेशन इट हैज बट एक्चुअली लगता है क्योंकि काम्या कई बार कहती हैं कि वुमेन कार्ड खेल रहे हैं लोग स्पेशली लड़कियां घर की डू यू थिंक सो ऐसा हो रहा है यहाँ पर आई डोंट नो व्हाट इज दिस वुमेन कार्ड एक्चुअली मैं समझना चाह रहा हूँ ये वुमेन कार्ड होता क्या है मैन कार्ड नहीं हो सकता क्या दैट्स व्हाट शी इज आल्सो सेइंग कि हाँ कि मतलब लड़कियों की ही इज्जत है लड़कों की इज्जत नहीं होती क्या आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये वुमेन कार्ड है क्या बेसिकली जो हम बार बार वुमेन बोलते हैं I'm not able to understand this part. इस वर्ड को ज़्यादा क्रिएट किया गया है हाँ मतलब what is this woman card? I'm trying to understand that. कोई लड़की इमोशन में रोती है या सपोर्ट मिलता है तो उसे वुमेन कार्ड या मैन कार्ड बोलते हैं मुझे समझ नहीं आता बीच में एक मायरा वाला इंसिडेंट हुआ था जो रश्मि ने डॉल बनाई थी और वो जो लिप्स लगाए थे उस डॉल को डू यू थिंक कि वो जेस्चर सही था बिकॉज शी सेड RIP मायरा और ये सब जो पानी में डूब गई मर गई डू यू थिंक कि वो चीज़ वो टाइम पीरियड फॉर सेकेंड हाँ वो माहिरा वाला क्वेश्चन पूछा मैंने आपको लगता है कि वो जेस्चर सही था बिकॉज जनरली मैंने वो एपिसोड देखा नहीं है तो मुझे उस पर कुछ भी बोलना मिले अभी राइट नहीं मिले और अभी जो रिसेंटली आरती के साथ हुआ बिकॉज आरती इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ हर और वो बहुत सपोर्ट करती हैं बट अभी उनके बीच भी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई बिकॉज शी डिडंट सपोर्ट दैट टाइम व्हेन शी नीडेड तो डू यू थिंक कि आपको लग रहा है कि उन्होंने भी सपोर्ट नहीं करा जहाँ उनको खड़े होना चाहिए था आरती को सपोर्ट नहीं किया आरती ने सपोर्ट नहीं किया मुझे ये सिनेरियो पता ही नहीं है कि ये हुआ क्या कि आरती ने सपोर्ट नहीं किया होगा उसके पीछे कुछ होगा उसके पीछे कोई वजह होगी इसलिए नहीं किया होगा हाँ मतलब उन्होंने जो रीज़न दिया कि तुम दोनों मेरे दोस्त हो और मैं दोनों के बीच में नहीं आना चाहती तो मुझे बाहर रखो इस चीज़ से प्रवेशी से तो रश्मि काफ़ी नाराज़ हुई इस बात पर कि नहीं मतलब आई वॉन्टेड यू दैट टाइम विद मी बट यू विल नॉट देयर I don't know what was going into Aarti's mind back then. But either she was trying to save the relationship with Siddharth and Rashmi both or either she didn't want to get into any of the conversation and fight with both of them. Yeah. So, dono mein se koi bhi situation ho sakti hai. So, genuinely I don't know. अभी क्या लग रहा है घर में कौन है उनके साथ genuine supporter जो genuine उनको यहाँ भी सपोर्ट कर रहे हैं और घर से बाहर आने के बाद किसी भी contestant को उसके सपोर्ट में देखता ही नहीं बिल्कुल आसिम अभी कुछ ज़्यादा too much of फ्रेंड जोन में जा रहे हैं क्योंकि मेरा ये बिलीव करना है कि सबके सब
कंटेस्टेंट्स हैं, फ्रेंड्स इस वक्त मुझे नहीं लगता कोई है. दे ऑल आर प्लेइंग, दे ऑल आर फाइटिंग देयर. देयर इज नोबडी हु हैज कम इनसाइड टू मेक अ रिलेशनशिप और बॉन्ड फॉरएवर. एवरीबॉडी इज फाइटिंग फॉर दैट वन ट्रॉफी. कहीं बैक ऑफ द माइंड सबको पता है ये बिग बॉस हाउस है, घर है मैं समझता हूँ, बट इस घर में पूरा परिवार नहीं है. ये बात मैं देख सकता हूँ. हर एक आदमी एक ट्रॉफी के लिए लड़ता है. तो देयर इज एवरीबॉडी इज फाइंडिंग देयर ओन वर्ल्ड. सो आई डोंट सी, एवरीथिंग इज टेम्पररी इन द हाउस. तो आई सी इट एज अ टेम्पररी सपोर्ट. पारस, जहाँ तक बात करें पारस और माहिरा के रिलेशन की, उस पर भी नश्मी काफ़ी खास अच्छी खासी नाराज दिखी कि बाहर आकांक्षा इज वेटिंग फॉर हिम एंड ही इज डूइंग दिस काइंड ऑफ बिहेवियर. आई हैव नॉट सीन एनी ऑफ दोस थिंग्स दोस एपिसोड्स, सो आई विल नॉट बी एबल टू से एनीथिंग. तो बीइंग अ ब्रदर और बीइंग अ फ्रेंड, आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे अगर आपको एक मौका मिले बिग बॉस हाउस में जाने का? एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रदर, मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूँ कि लास्ट फ्यू डेज, लास्ट फ्यू वीक्स, जस्ट बी योर सेल्फ, मेंटेन दैट डिग्निटी, मेंटेन दैट रिस्पेक्ट लेवल विच यू हैव एंड पीपल आर रिस्पेक्टिंग योर आउटसाइड. सो कीप दैट एंड आई थिंक सो दैट विल मेक यू विन. वॉट यू आर पीपल नो अबाउट इट. सो लेट्स स्टिक टू दैट एंड लेट्स फेस द फ्यू वीक्स विच आर कमिंग अहेड. कौन ऐसे तीन हैं जो फेक लगते हैं और कौन ऐसे तीन हैं जो आपको थोड़े रियल लगते हैं? अदर देन रश्मि, एक्चुअली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जज. ये वाला पॉइंट बहुत डिफिकल्ट है जज करने के लिए, बिकॉज यू नेवर नो. कौन बदल जाए, कल एक पॉइंट पे कोई जेन्युइन लगता है, कल दूसरे पॉइंट पे वही इंसान फेक लगता है. अब तक जितनी जर्नी देखी उसने, इट्स ऑल गेम एट द एंड ऑफ द डे इट कम्स टू द गेम. और विनर किसको देखना, अगर रश्मि एक साइड खड़ी होगी तो उसके साइड आप किसको देखना चाहेंगे कि सलमान दो लोगों का हाथ पकड़ के खड़ा हो? तो मुझे सिद्धार्थ दिख रहा है. सिद्धार्थ चाहे मैं उसके अगेंस्ट हूं, बट सिद्धार्थ दिख रहा है उसकी फैन फॉलोइंग की वजह से. टीवी से अब आप बॉलीवुड में आ गए हैं, तो आप मुझे ये बताइए टीवी से बॉलीवुड में आना मतलब कितना डिफरेंट है? टीवी की जर्नी कितनी अलग थी और अब बॉलीवुड की जर्नी वो कितनी अलग लग रही है आपको? देखिए दोनों जर्नी में स्ट्रगल था और बॉलीवुड की जर्नी में स्ट्रगल अब शुरू हुआ है. तो दोनों की अप्रोच अलग थी, दोनों की कास्टिंग प्रोसेस डिफरेंट है, दोनों का वर्क प्रोसेस डिफरेंट है, दोनों की डेडलाइंस अलग हैं. तो प्रेशर दोनों पे रहेगा एंड ऑफ कोर्स एक के बाद एक फिल्म मिलना आसान भी नहीं है एंड वो परफेक्ट रोल में फिट होना, वो परफेक्ट डायरेक्टर से डायरेक्टर मिलना, वो अच्छे प्रोड्यूसर की फिल्म मिलना, प्लस आपके काम को अप्रिशिएट किया जाए वो भी इंपॉर्टेंट है. कितने सीन्स होते हैं, तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच रियली काउंट इन बॉलीवुड. आप कोई भी एनी फिल्म, अच्छी फिल्म करते हो तो आपका काम दिख जाएगा. अगर आप कोई भी छोटी फिल्म करते हो और छोटी फिल्म में अगर आपकी वो फिल्म रिलीज़ नहीं हो रही और आप बहुत मेन कास्ट में, तो आपका पूरी मेहनत वेस्ट चली जाती है. फिल्म बड़ी है छोटी नहीं होती, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द फिल्म रिलीजेस एंड योर वर्क इज सीन अमंगस्ट द पब्लिक. तो कोई ऐसा रोल है ड्रीम रोल, कोई विश लिस्ट में है? ड्रीम रोल तो ऐसे सब है, मतलब ऐसे कोई रोल नहीं है जो हम नहीं कर, मैं मतलब एज एन एक्टर मैं नहीं करना चाहता हूँ, बट इट्स ऑलवेज द डेस्टिनी ऑल्सो विच गिव्स यू अ चांस. सो आई एम वेटिंग फॉर माई डेस्टिनी टू गिव मी दैट चांस टू पिक मी फॉर दैट. तो कोई प्रोजेक्ट है और बॉलीवुड का आपके पास अभी इस वक्त? तो है नहीं, बट दो बातें चल रही है, तो होप सो इट वर्क्स आउट. एंड व्हाट अबाउट ओटीटी प्लेटफॉर्म, नेटफ्लिक्स एंड ओटीटी? डेफिनेटली हैव बीन गिविंग अ लॉट ऑफ स्क्रीन टेस्ट मीटिंग्स. आई होप सो एनी ऑफ देम वर्क्स आउट. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. तो मृणाल, चलते चलते अपने फैंस के लिए और अपनी बहन के फैंस के लिए कुछ बोलना चाहेंगे आप? मैं अपने फैंस से यही कहना चाहता हूँ कि बहुत देर बाद स्क्रीन पर आ रहा हूँ, बड़े पर्दे पर आ रहा हूँ, तो आप सबका प्यार चाहिए. प्लीज़ जाके देखिए सब कुछ मंगल जनवरी 3rd को आपके नज़दीकी थिएटर में एंड उसके बाद रिलीज़ होगी 27 मार्च को सूर्यवंशी. सो होप फॉर द बेस्ट एंड आई होप यू ऑल लाइक माय वर्क एंड द लव. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.